डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आइए आज डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। यह एक्ट तो 2005 में आया, उससे पहले भी काफ़ी सारी डिजास्टर आ चुकी थी इंडिया में, आपदाएं, जो कि एग्जाम्पल ले सकते हैं भूज का, या फिर और भी बहुत सारी अर्थक्वेक या कैलामिटी आई है इंडिया में। उन सबको देखने के लिए कोई एक पार्टिकुलर अथॉरिटी नहीं था, तो इसको देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक अथॉरिटी होना चाहिए जो कि सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करे। तो आइए उस पर बात करते हैं। बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले स्टार्टिंग जो है 1995 में एनसीडीएम के थ्रू हुआ, जिसे नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है 1995 से एक स्टार्ट हो गया कि हाँ, इस एक अथॉरिटी होना चाहिए जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे ही सिर्फ बात करेगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये भी जो है 1995 में ही इस्टेब्लिश किया गया कि जो भी नेचुरल डिजास्टर को मिनिमाइज किया जाए कि इंटरनेशनल डिकेड पे, मतलब कि एक इंटरनेशनल डिकेड होना चाहिए, मतलब एक 10 साल में ऐसा डिकेड होना चाहिए जिसमें जो नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन उसको कम किया जाए, जैसे कि कैलेमिटी या फिर जो भी अर्थक्वेक है उसको मिनिमाइज किया जाए, प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए, या फिर ये सारी बातें जो है उसको हम लोग देखेंगे और ये सब होना चाहिए। इसका मेन प्रोविजन एक और देखते हैं, आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके थ्रू भी इसको लाया गया कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं उसके साथ ये वर्क करेगा तो बेटर अचीवमेंट गेन करेगा। अब बात करते हैं ये जो एनसीडीएम है वो किसके थ्रू आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन के बारे में, कॉपरेशन, ठीक। अब बात करते हैं नेचुरल जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें कुछ प्रोविजंस के बारे में, जैसे कि कुछ चैप्टर में जो ये एक्ट है इसका डिवाइड है, एक एक चैप्टर हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा छोटा जानेंगे। जैसे कि पहला जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इसमें क्या है, इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, जैसे कि अफेक्टेड एरिया क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, गवर्नमेंट का क्या काम है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारे चीज जो है हम लोग जानते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि एक कंटिन्यूअस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कोऑर्डिनेशन का, जो इंप्लीमेंट करे, जैसे कि प्रिवेंशन, डेंजर का जो प्रिवेंशन उसको कम करना, या मिटिगेशन है उसको रिड्यूस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना, प्रिपेयर्डनेस लाना, जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करना जिसको ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्लान की जो कि नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट प्लान, ये सब होता है। फिर उसके बाद एक अथॉरिटी होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, ये सारी चीज जो है चैप्टर वन में बताई गई है। फिर उसके बाद कुछ और भी, जैसे क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए ड्यूरिंग ए कैलेमिटी, रिकंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेज का, जो मैन पावर है, सर्विसेज है, मटेरियल है, ये किस डायरेक्शन में यूज होना चाहिए, ये सब बताता है। चैप्टर टू जो है एनडीएमए का इस्टेब्लिशमेंट बताता है कि जो एनडीएमए है वो चैप्टर टू में आता है। एनडीएमए का मेन काम क्या है, पहला पहला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करे, ऑफिशियल का स्टेट अपॉइंट करे। फिर दूसरा काम हो जाता है कि एक चेयरमैन होना चाहिए। तीसरा काम जो है वो मीटिंग नेशनल अथॉरिटी का जो है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। चेयरमैन जो है नेशनल अथॉरिटी को उसको एक डेजिग्नेट मेंबर माना जाए। अपॉइंटमेंट जो पांचवा काम है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय नेशनल अथॉरिटी के। सिक्स्थ काम है पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल अथॉरिटी, जिसमें ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, अप्रूव नेशनल प्लान, ये सब कुछ कुछ काम है। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी बाई नेशनल अथॉरिटी, फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, कंस्टिट्यूशन ऑफ सब कमिटी, ये सब कुछ कुछ बातें बताई गई हैं चैप्टर टू में। अब बात करते हैं चैप्टर थ्री, जिसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसमें जो स्टेट है उसको एक
एक नोटिफिकेशन इशू होता है, उसके थ्रू वो अपना काम करता है। जैसे कि स्टेट में जो भी डिजास्टर है उसको कैसे हैंडल करना है ये सब बताया जाता है। इसमें भी सेम काम, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है या हेल्ड होता है, अपॉइंटमेंट ऑफिसर का होना चाहिए, कंस्टिट्यूशन एडवाइजरी कमिटी होना चाहिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट अथॉरिटी होना चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी होना चाहिए। ये सब भी मतलब बेसिक बेसिक चीज है, जैसे पावर फंक्शन, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी का ये सब होना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 4 जो कि है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आइए इस पे, इसका भी मतलब कंस्टिट्यूशन, एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो लोकल बॉडी पे होना चाहिए, चेयरमैन का पावर होना चाहिए, मीटिंग इसमें भी ऑर्गेनाइज, मतलब जो सेम काम जो स्टेट वाले में है और नेशनल वाले में सेम चीज इसमें भी वही चीज है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 जो कि है मेजर्स बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, आइए बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे पहला है, प्रोविजन ऐसा प्रोवाइड करे जिसके थ्रू जो नेसेसरी चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट में वो प्रोवाइड किया जाए। दूसरा काम है जो कि प्रिजुडाइस, जनरली प्रोविजन जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, मतलब जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो चीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि किसी का एक काम है, किसी का दूसरा काम, तो उन दोनों काम को मिला के एक काम होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है। कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है उन सब का सहयोग चाहिए इसमें। इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है ये है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, ट्रेंड पर्सन चाहिए जो जो कि पार्टिकुलर डिजास्टर को हैंडल कर सके, डेवलप प्रोग्राम चाहिए कि जो भी मतलब किसी एक प्रोन एरिया है उसको कैसे हम लोग जानेंगे कि ये प्रोन एरिया है, तो उसके बारे में डिटेल्ड कोर्सेज होना चाहिए, प्रोग्राम्स चलाना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो मिनिस्टर का और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का है उसका भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है उसको मिनिस्टर के द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी मेजर उसको भी लेना चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेट इन द स्टेट डेवलपमेंट प्लान, कोऑर्डिनेशन, एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये सब कुछ कुछ बातें हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, उस पे भी उसको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेशन या एलोकेशन ऑफ फंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्ड टू अफेक्टेड एरिया, ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या है, टाइप ऑफ डिजास्टर जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट में हुआ है उनको एक आइडेंटिफाई करके उनको एक वल्नरेबल घोषित करके उसको जो भी वहाँ पे नेसेसरी थिंग्स है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। फिर चैप्टर 6 में लोकल अथॉरिटी का बात करता है, जिसमें फंक्शन आ जाता है। फंक्शन में जैसे कि जो भी ऑफिसर और एम्प्लॉय है वो ट्रेंड होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। जो लोकल अथॉरिटी है उसको नेसेसरी जो भी मैनेजमेंट का काम है उसको आना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, बेटर कोर्सेज लोकल लेवल पे चलाना चाहिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 जो कि है NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यह जो है 16 अक्टूबर 2003 को आया था यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा, 11 अगस्त 2004 में लाया गया था। ये जो है स्टेटस ऑफ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन NDMA जो था उसको मिला था इसके थ्रू। फिर प्लानिंग एंड प्रोमोटिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च करना चाहिए, सेक्शन 42 के सब क्लॉज 9 के थ्रू ये मेंशन्ड आता है। ये अब इसका कुछ मेन काम है, जैसे कि डेवलप ट्रेनिंग एंड मॉड्यूल्स, असिस्टेंट टू ट्रेनर्स या ट्रेनिंग,
स्टडी मटेरियल या कोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। अब बात करते हैं विजन के बारे में कि इसका व्यू क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च पहला ये है, दूसरा है इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करे, तीसरा है डिजास्टर फ्री इंडिया जैसे कि प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। अब बात करते हैं इसके मिशन के बारे में, तो पहला है वर्क एज थिंक टैंक, मतलब कि एक बहुत बड़ा ये थिंक टैंक की तरह काम करेगा फॉर गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दूसरा है रिडक्शन द इम्पैक्ट थ्रू प्लानिंग रिसर्च एक्सपर्टाइज प्रमोशन अवेयरनेस नेटवर्क एंड फैसिलिटेटिंग, जैसे कि जो भी प्रोन एरिया है उसमें रिडक्शन को कम करने का बात करता है, डिजास्टर को कम करने का बात करता है। तो वो कैसे होगा, रिसर्च के थ्रू होगा, एक्सपर्टाइज प्रमोशन के द्वारा होगा, मतलब कि जो भी एक्सपर्ट होंगे उनके द्वारा ये अवेयरनेस फैलाया जाएगा, तो वैसे होगा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तब होगा। अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में बात किया जाए तो नेशनल हब टू लर्न क्रिएट क्रिटिकल मास ऑफ इंस्टीट्यूशन ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल, जो भी ये सारे काम है वो होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5, जो नॉलेज होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी एनडीएमए के हैं। फिर कुछ सेफ्टी टिप्स है वो भी बताया जाता है कि जैसे कि कोई भी कैलेमिटी आ रहा है या फिर डिजास्टर आ रहा है तो उसके उसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसके 2-3 प्रोविजन है। जैसे कि पहले हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तो पहले में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कोल्ड वेव आएगा तो हमें क्या क्या पहले से रखना चाहिए। पहले हमें इमरजेंसी किट रखना चाहिए, मेडिसिन रखना चाहिए, अपने पास हीटर होना चाहिए, लोकल रेडियो को हमें टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, जो ट्रैवल हो उसको मिनिमाइज करें, जो वेट क्लॉथ अगर है तो उसको चेंज करें, और खासकर जो वेंटिलेशन है उसको मेंटेन करना चाहिए अगर केरोसिन हीटर या कोल ओवन जल रहा है तो, और टाइम टू टाइम हॉट ड्रिंक पीना चाहिए। आफ्टर में हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट जो फर्स्ट बाइट है उससे हमको खुद को बचाना है, और लिव इन अगर एवलेंचेज एरिया में आप रहते हैं तो आप अपने घर पे ही रहें। अब बात करते हैं थंडर या लाइटनिंग के। थंडर लाइटनिंग में भी बिफोर मतलब पहले हम क्या कर सकते हैं कि लोकल मीडिया जो है वो वार्निंग दे रहा है तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इमरजेंसी सर्वाइवल किट को रखना चाहिए, पोस्टपोन मतलब आउटडोर जो एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए, और कंक्रीट फ्लोर पे नहीं सोना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, इमरजेंसी किट रखना चाहिए, मॉक ड्रिल्स कराना चाहिए, मतलब जब आ रहा है तो उस समय एकदम शांत रहिए और अपने आप को होल्ड रखिए कि हाँ, और कोशिश करिए कि ओपन एरिया में चल जाएं, और आफ्टर में क्या कर सकते हैं अपने आप को चेक करिए, जो लोकल इंजर्ड पीपल हैं उनको टच उनको चेक करिए, जिनको नेसेसरी थिंग्स की जरूरत है उन्हें कीजिए पावर, और जो भी बिल्डिंग डैमेज है उसे दूर रहने का कोशिश करिए। फ्लड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी किट को रख सकते हैं, बॉइल्ड वाटर रखिए, बॉइल्ड वाटर के यूज करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का रख लेना चाहिए, स्नेक बाइट्स से दूर मतलब थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, और पावर सप्लाई जो है उसको बंद कर देना चाहिए, और चिल्ड्रंस को बाहर नहीं भेजना चाहिए। ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 8 जो कि है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मतलब कि जो डिजास्टर हो चुका है उसमें रिस्पांस कैसा देना चाहिए, रिस्पांस फोर्स होना चाहिए, वो एकदम एक्टिव होना चाहिए, जो कंट्रोल डायरेक्शन है वो टाइम टू टाइम देना चाहिए, जो जो भी मतलब ये सारे प्रोविजन है ये टाइम टू टाइम एकदम टाइमली होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी मतलब देरी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 9 का जिसमें नेशनल मतलब फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट का बात करता है, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का बात किया जाता है। अगर कोई भी
प्रोन एरिया में डिजास्टर हुआ है तो वो जो अमाउंट होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, यहाँ पे डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है वो भी इसी प्रोविजन के थ्रू होगा, मतलब वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहाँ भी टाइम टू टाइम देना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो भी फंड है जैसे कि स्टेट स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, या फिर स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इन सब का प्रोविजन दिया गया है और इस पे ध्यान रखना चाहिए। फिर एलोकेशन ऑफ फंड जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो अप्रूवल होना चाहिए। एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो है उसको तैयार रखना चाहिए। जो भी ये सब प्रोविजन है ये टाइम टू टाइम होना चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर। फिर चैप्टर 10 के बात किया जाए जिसमें ऑफेंसेज और पेनाल्टीज की बात किया जाता है, जिसमें पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो कि वो इलिजिबल नहीं है पार्टिकुलर फंड में या कुछ भी वो कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए, या फॉल्स क्लेम कोई कर रहा है उसको पनिशमेंट होना चाहिए, मिस अप्रोप्रिएशन या फिर फॉल्स वार्निंग दे रहा है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑफेंस किया, ऑफेंसेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसके थ्रू अगर ऑफेंस कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये सब कुछ कुछ प्रोविजंस है। अब बात करते हैं चैप्टर 11 जिसमें मिसेलेनियस की बात किया जाता है, जिसमें प्रोविजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। पावर टू इशू डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू मेड अवेलेबल फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, मेकिंग और अमेंडिंग रूल्स, जो भी मतलब ये सारे प्रोविजन है इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं जो भी सिचुएशन वो एक तरह का हमेशा नहीं रहता है, शायद 5 साल तक एक सिचुएशन रहे 5 साल के बाद चेंज हो जाए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चेंज करना चाहिए टाइम टू टाइम। पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजंस, व्हीकल्स, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। जो कंपेंसेशन है उसका पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर एनुअल रिपोर्ट को देखना चाहिए, बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन कोर्ट को एक्ट पे ध्यान रखना चाहिए, एक्शन टेकन फॉर गुड फेथ, मतलब जो भी एक्शन लिया जाए वो गवर्नमेंट पीपल के बेनिफिट के लिए हो।